ट्रुथ एंड डेयर अगेन। हाँ ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं, चलो चलो ठीक है। हाँ ट्रुथ। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अंकी की गर्लफ्रेंड है मैं। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। नहीं नहीं क्वेश्चन होता ही नहीं। क्या मजाक? कुछ भी पहले क्वेश्चन पे ही बोल। नहीं हंस रही हूँ, हंस रही हूँ। मेरे पास एक बॉय है जो मेरा फ्रेंड है। तुम बराबर। हाँ मैं हूँ बॉयफ्रेंड यार। हाँ मैं कब हो गया ये? हे मैं तुम्हें कब से बोलो सिंगल कोई मान ही रहा। हे यार चाहे एनी अदर क्यूटीज जो मुझे एज अ बॉय और फ्रेंड देखना चाहते हैं नहीं जाता। ये प्रिपेयर फॉर हेल फायर की हो रहा है मेरे से। मरना है क्या? ट्रूथ में मैं पूछना चाहूंगी आपने आज तक का सबसे महंगा आउटफिट क्या खरीदा है एक्सेप्ट फॉर आपकी शादी का आउटफिट। भाई कसम से बोलूं जो भी महंगा आउटफिट है कसम से आई स्वेयर ऑन माय स्ट्रीम सबसे महंगा आउटफिट मुझे गिफ्ट मिला। हाँ। कुछ नहीं खरीदा मैं। मेरे को मेरे पे स्पेंड करना पसंद नहीं। आधी चीजें मेरी मॉम ला के देती है, आधी चीजें तो आजकल पिंकी खरीदती है। मैं खुद पे कुछ खर्च नहीं करता। आई एम एज नेकेड एज यू कैन Imagine. मतलब आई एम नॉट इमेजिनिंग। नो थैंक यू। वो प्राइस पे दे कपड़ों का जो प्राइस है उस पे पूरा सेंटेंस सुन। ठीक है तो घुमा फिरा के सेम सवाल मत पूछना। हाँ नहीं नहीं एक्टिव पैसिव मत खेलना मेरे। सबसे ज्यादा कौन सा बूट कैंप आपने विजिट किया है? सबसे ज्यादा कौन सा बूट कैंप विजिट किया है? फॉर व्हाट पर्पसेस? फिर पर्पस रहने यार काम रहने हाय हेलो फ्रेंड्स रहने पर्पस। तुम्हारा पर्पस हमें कैसे पता? सबसे ज्यादा मैंने कौन सा बूट कैंप विजिट किया है? आंसर भी सोचने का टाइम लग रहा है अंकि। सोचना पड़ रहा है क्योंकि देख जाते आते ऑन द वे। नहीं बिंग्स तुमने तो बिल्कुल भी तुम मेरे ही बोट में हो। तुम चुप रहो। ये फंस गया सी। इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ मैं कैसे तुम्हारे बोट में? तुम बिल्कुल भी ना यार इतना जूट बिंग्स। पिंकी तुमने भी वो बूट कैंप इतना विजिट नहीं किया होगा जितना बिंग्स ने किया हुआ है। सच्ची बोलो। दैट इज ट्रू। चलो तुम्हारा टर्न। आपने सबसे महंगी चीज पिंकी के लिए क्या ली है? डायसन। डायसन किट वो जो मुझे यूज करने नहीं आता जो पिंकी मेरे को ऐसे दिखाती है। 50 का घर जाएगा। मैं उसमें से हवा की दर से आती है पहले मेरे को वो समझ जाए ना। भाई पता नहीं भाई गरम ठंडा। जब भी पिंकी के बजाओ पिंकी मेरे बाल ड्राई करती है। मेरे को समझ में नहीं आता क्या है ये। टिबन कब गया? अभी 2 मिनट पहले। तेरे लिए क्वेश्चन। ट्रूथ 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 ट्रूथ। तू जब भी शादी करेगी जब भी हां अभी किससे करेगी ऐसे पूछोगे? नहीं 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 मैं नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं कभी भी करेगी। हां जिसके मर्जी के साथ कुछ भी ठीक है। तेरा ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? तेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन टू गो विद योर हस्बैंड। ओ लाइक हनीमून। हनीमून अच्छा नहीं हनीमून टाइप नहीं बट लाइक ऐसे ही ट्रैवल करने के लिए। मुझे ना जापान जाना है। मुझे जापान बहुत क्यूट लगता है। मुझे विजिट करके खुद देखना है कैसा है वो जगह क्योंकि मैंने सुना बहुत है। अच्छा अच्छा मैं पूछना चाहती थी कि अगर आपको इंटरनेशनली सारे कंट्रीज मेरे दिमाग में आए। हाँ कहीं आपको घर खरीदने का ऑप्शन मिले आप कहाँ लोगे? तो मेरे हिसाब से स्पेन ग्रीस क्योंकि मेरे हिसाब से जो ग्रीस में जो क्यूट पीपल लोग हैं वो लोग बहुत क्यूट है और स्पेन का जो लैंग्वेज भी है वो एकदम क्यूट है तो दोनों में से। ठीक है सही जवाब। वेरी नाइस गुड आंसर। मतलब सही है जवाब। सही है मेरा जवाब में कुछ भी तो सही है। अरे सही है मतलब करेक्ट वाला नहीं लाइक सही है। हां लाइक सही है ब्रो ऐसा टाइप का वो। स्टूपिड केबीसी थोड़ी खेल रहे। रात के 3 बजे तू एक रास्ते से जा रही है जहाँ पे बहुत अंधेरा है बहुत। ठीक है जा रही हूँ जा रही अचानक से जाते जाते तू जो काना खा रही थी वो गिर गया। हाँ और जैसे गिरा तू उसको उठाने जा रहे थे तो अचानक से इधर उधर से साउंड आया और तू डर गई। तो तू अपने फैमिली और पिंकी और मेरे किसको फोन करेगी अगर तू डर गई?
अगर मैं डर गई ऐसे अकेले रास्ते पे जाते हुए तो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया. अगर तुम्हारे साइड पे हो तो तुमको ही फोन करोगे, फिर पापा को फोन करके क्या होएगा, दो घंटे बाद आएंगे. फैमिली तो... मेरे और पिंकी के अलावा हम सबका फोन बंद है. मेरा फैमिली का फोन बंद है, मेरा पिंकी का फोन बंद है. यार रियलिस्टिकली बोलूं, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड रोहन है ना, वो मेरे को पहले एक बार बारिश में भी पिक करने आया था गाड़ी में, तो मैं उसको ही फोन करूंगी क्योंकि उसको गाड़ी भी चलाने आती है और वो मेरे को पिक भी करने आ जाएगा. समझ रहे हो? तेरे को पता था इसका बेस्ट फ्रेंड रोहन नाम क्या है? सबको पता है, बचपन से. अगर आपको ये सेम सिचुएशन में किसी को फोन करने हुआ, ठीक है, T-bone of all people, T-bone तुमको बोलेगा बिंग्स, तुम खुद को देखो और फोन काट लेगा. देख ले और नहीं, क्योंकि हाँ. मैंने मैसेज किया ना तो डर मत, मैं हूँ. इसलिए वरना कॉल नहीं कर देता, वो मैसेज में जो अच्छा अच्छा T-bone का. अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो क्या हो? कुछ भी होते आपने को क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन वाह बोलती है एड बनाएगी ये बनाएगी फाइनेंस में जाएगी क्या बोरिंग. उसको एक ही चीज पूछनी है अलग अलग तरीकों से, ठीक है? सही नहीं. सोचो सोचो, तुम सोचो, अभी ये टाइमर देखते हैं क्या होता है एक मिनट बाद. जो एसिटोल है इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्ग्स, ठीक है, उसको साइड में रखते हैं. बराबर, ठीक है. ग्लोबल स्पोर्ट्स भी आपको पता है वेरी बिग ऑर्ग, वहां पे पहुंचिए तो उसको भी एक क्वेश्चन से बाद में रखते, ठीक है? ये दोनों के अलावा जो थर्ड का, जो भी आपका थर्ड ने बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट या जो भी है, ठीक है, जो बड़ा ऑर्ग है उसमें का आपका फेवरेट बंदा कौन है? पिंकी मैंने क्या बोला? व्हाट यू फाइंड इट ट्राइंग सो हार्ड राइट नाउ. यार वैसे फेवरेट बंदा, वैसे मैं सबसे ज्यादा परेशान करती हूँ आई थिंक यूफो को वहाँ पे बंदों में, क्योंकि यूफो को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, समझ रहे हो? ठीक है. तो सिंस यूफो को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, वो फेवरेट बोल सकते हैं. एक काम करो बिंग्स, अगला सवाल तुम ही पूछ लो. पूछो पूछो, सोचो सोचो, तुम सोचो. आपका फेवरेट बंदा हाँ. बिजी हो, यूफो बिजी हो, ठीक है, और बाजू में एक लैन इवेंट हो रहा है, प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो प्लेयर्स में से सबसे बेस्ट सेटअप आपको किसका लगता है? सबसे बेस्ट सेटअप मतलब ऐसा कीबोर्ड माउस पकड़ के बैठने वाला? ऑब्वियसली सबसे बेस्ट सेटअप मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं रिलेट कर पाती हूँ, मुझे डीएम का लगता है, वो भी ऐसा हाथ ऊपर करके खेलता है एग्जैक्टली मेरे जैसे, तो मुझे काफी रिलेटेबल लगता है. के बाजू में जो बैठता है उसका सेटअप को आप कितना रेटिंग देते हो? यार काली का सेटअप हाँ इतना साफ नहीं रखता है, और उसका टेबल मतलब दरवाजे के पास है, तो सब अपना चार्जर वार्जर मतलब उधर ही कनेक्ट करके रखे हुए, तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, तो 10 में से मैं 6 दे दूंगी, क्लीनलीनेस थोड़ी कम है उधर. काली को मैंने अभी बाहर भेज दिया, उसका सेटअप क्लीन हो रहा है. बराबर क्लीन हो रहा है, वो काली हो रहा है, क्लीन हो रहा है, अच्छी बात है काली, अच्छी अच्छी बात है. तो अभी जो डीएम के दूसरे बाजू में जो बैठा है उसका सेटअप का रेटिंग आपके हिसाब से? उसका सेटअप भी सेम है, क्योंकि उसके बाजू में भी सारे चार्जर लगे हुए हैं. नाम क्या है? नाम क्या है? अरे तुमको नहीं पता डेथ मेगरी बाजू में कौन बैठता है? नहीं. अरे तुमको पता है, सिर्फ सेटअप की बात कर रहे ना, सेटअप रेटिंग कर रहे ना, सेम है. उसके भी दो आईफोन चार्जर लगे हुए उधर डीएम के बाजू में. लेकिन लास्ट टाइम मैं देखा एक वॉच भी था वहां पे चार्जर. कहां था? चार्जर के पास ही रखा था. नहीं 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 था, वहाँ पे कभी रखा नहीं है कुछ ऐसा, नहीं था. लेटेस्ट वाला वॉच था कोई? तो नहीं नहीं दो नहीं रखा था. तो ये जो बंदा आपके और मेरे मन में है उसका सेटअप का रेटिंग आपके हिसाब से? छह बोला ना, छह सेम, उधर भी सेम है, दोनों सेम ही है. हाँ हाँ चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं. पूछो पूछो. ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा. एक मेरा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है मेरा, हाँ, LF करके सुना रहेगा आपने, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है. Oh, shit. अगर उसका नाम LF नहीं रहता
तो आपके हिसाब से दूसरा अच्छा नाम क्या होता, वो भी अंकी से, ऐसा अंकी? मेरा नाम से क्यों होता है? तेरा नाम अंकिता है यार, अंकित तोड़। लेकिन मेरे को अंकी अंकी बुलाते ना, टीवन से पूछो, टीवन को बुलाओ तो अंकी बुलाते। तो हाँ। ए से ए से मैं रखूंगी, सिंस उसका नाम में ऑलरेडी ऐसा हेल है और हेल में लोग बोलते हैं कि यू नो उधर आग वाग होता है, तो मैं आर्सन रखूंगी। आर्सन हाँ, आर्सनिस्ट, वो ऐसा आग लगाते हैं, आग जो हेल में होती है, समझ रहे हो? आर्सन मतलब अपना बच्चा आर्सन। Nigga wanna see me fall, Stephen Curry, how I ball. नहीं नहीं, ARSON। वैसे ये एक तो वीडियो बन सकता है मेरे हिसाब से। हाँ अक्षर, टाइम, ये टाइम स्टैम्प दे देना हमारे ट्रूथ एंड ट्रूथ गेम का, ठीक है? What we do during the technical pauses? Pauses, yes. Yeah. Truth and truth.